तो सचिन के जो परिवार के करीबी हैं भूरी ठाकुर, उनसे हम बात करेंगे। देखिए अभी काफ़ी सुर्खियों में है यह मामला। अगर ये कहा जाता है कि सीमा को, यानी जो आपके घर की बहू है, उनको भेजना होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान तो हम सर कटा लेंगे अपना, सीमा के साथ जाएंगे, हम सीमा के साथ जाएंगे। अच्छा, अब यानी कि गांव हो या जो आसपास के क्षेत्र हो, उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है ये चीजों को? स्वीकार कर लिया, बढ़िया ही बात है। अपील सरकार से, प्रशासन से? देखो गुजारिश करेंगे मोदी से भी, योगी से भी, देखो इनको वे दिए जाए। अरे भैया मोर्चा लगे, देखो ये परेशान थी। अच्छा, प्यार में अंधा हो जाता है आदमी। ये भक्ति तो बच्चों को नहीं लाती जी। इकली आती, गलत होती, इकली आती है। अपने बच्चों को लाइए साथ में, है ना, अपने बच्चों को लाइए साथ में, गलत नहीं है। यानी बच्चों को छोड़ कर इकली आ जाती है ना, मानो। अच्छा, हाँ। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर वहाँ हम जाते हैं तो पाकिस्तान में हमारे जान को भी खतरा है। जान खतरा है, काला तेल छिड़क के इसकी बोटी बोटी काट दी जाएगी, और हम इसके साथ चलेंगे। और आप ऐलान कर रहे हैं कि हम ऐलान कर रहे हैं, हम अपने गर्दन कटा लेंगे साथ, अगर ये जाती है पाकिस्तान तो। और सचिन के साथ इनको परिवार में आप स्वीकारेंगे? आपके यहाँ स्वीकार है, हमें कोई एतराज नहीं। अभी फिलहाल ये कितने दिनों तक रह रहे हैं, और कुछ इनके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखो ये सरकारी, सरकार देगी फैसला जी, कब देगी इसको आधार कार्ड बना कर वे बच्चे इनको वे, देखो हमें ही रहने चाहिए, वापस नहीं है, वापस तो इसकी बेकदरी कर देंगे ये लोग। एक धमकी दे रहा है वे वो उग्रवादी, हमें दो दिन में चाहिए हमको, ये दो दिन में क्यों चाहिए इसको? अगर हिंदवानी भाग जाए तो नहीं चाहिए, और मुस्लिम भाग जाए तो दो दिन में चाहिए उसे पाकिस्तान को। यानी आप बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं? बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ, मेरे भतीजे की घरवाली है। और अगर ये जाती है तो इसके साथ में चलता हूँ, गर्दन मेरी काट लो। ये बड़ा ऐलान किया है, इनका नाम भूरी ठाकुर है, जो सचिन के करीबी बताए जाते हैं। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।